बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुतासर पलोच कराची से, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कानून के मुतालिक रहनुमाई करता हूँ, तो दोस्तों ने मुझे अर्ज़ किया कि मैं उनको एंटी करप्शन लॉज के मुतालिक बताता चलूँ। तो मैंने एंटी करप्शन लॉज के मुतालिक कुछ मालूमात फराहम करनी चाहिए, जो आप देख लें। एंटी करप्शन लॉज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कौन से एंटी करप्शन लॉज हैं? वाट आर एंटी करप्शन लॉज इन पाकिस्तान? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी वाट विच प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ऑफ एक्ट वाज पास्ड इन पाकिस्तान। सो इट वाज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। रिमेंबर दिस एक्ट वाज पास्ड इन 1947 बाय दैट लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1947। लेटर ऑन इट कम्स टू वेस्ट पाकिस्तान एंटी करप्शन ऑर्डिनेंस 1961। रिमेंबर दिस इज ऑर्डिनेंस, वेस्ट पाकिस्तान एंटी करप्शन ऑर्डिनेंस, बिकॉज इट वॉज द मार्शल रिजाइम। अयूब खान प्रोमोलगेटेड ऑर्डिनेंस, वेस्ट पाकिस्तान एंटी करप्शन ऑर्डिनेंस 1961। लेटर ऑन एफ आई ए एक्ट 1974 वॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द भुट्टो रिजाइम। जुल्फकार अली भुट्टो वॉज द प्राइम मिनिस्टर and he passed the FIA Act for prevention of corruption. After NAB Ordinance 1999 November, NAB Ordinance was promulgated by Mr. General Pervez Musharraf in November 1999. NAB Ordinance was promulgated by Pervez Musharraf. Corruption is the threat to development, democracy and stability. Corruption is the threat to development, democracy and stability. Practical measures can be taken to educate people about corruption and its effects. Practices to be done by awareing people to say no against corruption or say no to corruption by air telecasting, radios, news papers and through pamphlets, etc. Means corruption can be eradicated by these measures, and this is the definition of corruption. Later on it comes it seems that ordinances still in effects, NAB Ordinance 1999. Thank you.